क्या आपके भी मोबाइल में फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे फोन में फ्री फायर ओपन क्यों नहीं हो रहा है और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो फ्री फायर है वो ओपन नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से ऐसा होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वही देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में फ्री फायर को ओपन कर लीजिए। चलिए मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसे ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर लोडिंग दिखा रहा है नीचे में और ये ओपन नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ये आते रहता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर वेट करके देखते हैं कि ओपन होता है या फिर नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े देर के बाद यहाँ पे इस तरह से एक एरर आ जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड फेल्ड रीट्राई का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है इसको ओपन करने का लेकिन ये ओपन नहीं हो पा रहा है। इधर ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप वापस से देख सकते हैं उसी तरह से लोडिंग हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे एरर का ऑप्शन आ गया है और वही मैसेज शो हो रहा है बार बार। चलिए इसे ओके करते हैं और इसे सबसे पहले यहाँ से हम कट कर देते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी लोगों के फ़ोन में हो जाता है कई बार, तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है और मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जिस तरह से मैं अपने फ़ोन में आपको करके दिखा रहा हूँ उसी तरह से आपको भी अपने फ़ोन में करना है। तो सबसे पहले तो ये इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण होता है, तो हमें इंटरनेट चेक करना है कि हमारा इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर से स्लाइड करना है नीचे और सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक बार एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट करना है। एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट करके इसे वापस से बंद कर देंगे तो इससे होगा क्या कि आपका नेटवर्क जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और वापस से आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे चले जाना है। ये रहा सेटिंग्स, सेटिंग्स पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा मोबाइल नेटवर्क, देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क पे हम क्लिक करेंगे और जो भी मोबाइल से आपका कनेक्शन है, जो भी आप सिम में रिचार्ज किए हुए हैं वही नंबर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए इंटरनेट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वी यहाँ पे सिलेक्टेड है जिसमें मेरा रिचार्ज है वही यहाँ पे सिलेक्टेड है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे गलत सिम सिलेक्ट हो जाता है जिसके कारण से भी ऐसा हो सकता है कि हमारा फ्री फायर स्टार्ट नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको एक बार चेक करके देख लेना है कि आपका सही सही सिम सिलेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ से हम अब आपको एक चीज़ और चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वी में मेरा कनेक्शन है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप चेक करना है। प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाला 5G 4G 3G ये जो होता है ये वाला आपको सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, यहाँ का मेरा जो भी सेटिंग है वो सब सही हो गया है। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और अब आप चेक कर सकते हैं फ्री फायर को स्टार्ट करके कि आपका स्टार्ट हो रहा है, ओपन हो रहा है या फिर नहीं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो अब यहाँ पर आपको फ्री फायर पे लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप इस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पे आपके सामने ऐप इन्फो का ऑप्शन आपको ऊपर में दिखाई देगा। ऐप इन्फो पे आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करते ही ये वाला जो सेटिंग है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर में एक फोर्स स्टॉप का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको फोर्स स्टॉप लगाना है एक बार। उसके बाद इधर फोर्स स्टॉप पे क्लिक करते हैं। फोर्स स्टॉप करने से ये जो है पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है फ्री फायर। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टोरेज यूजेज, देख सकते हैं नीचे स्टोरेज यूजेज दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लियर कैच पे क्लिक करना है। क्लियर कैच पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और अब हमारा फ्री फायर जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी सेटिंग था वो हमने चेक कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करके देखते हैं फ्री फायर को। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो फ्री फायर है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। सो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्री फायर स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका फ्री फायर फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद 100% आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका फ्री फायर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।